हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ फालूदा सेब बनाने की रेसिपी। ये बहुत ही आसान होते हैं और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। और इन्हें बनाने के लिए हमें सिर्फ एक इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होती है, जो कि है कॉर्नफ्लावर। तो अभी मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है जिसमें हम कॉर्नफ्लावर को ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 3 स्पून कॉर्नफ्लावर लिया है, इसको एक बाउल में ले लेंगे। अब जितना हमने कॉर्नफ्लावर लिया है उतना थोड़ा सा पानी लेकर के इसको मिक्स कर लेंगे वाटर में। और हमें अभी थोड़ा सा पानी लेकर के ही इसे मिक्स करना है, वरना कॉर्नफ्लावर में जो है लम्ब्स पड़ जाते हैं। तो पहले से इतना पानी डाल करके मिक्स कर लेंगे, उसके बाद बाकी का पानी ऐड करेंगे हम, जिससे कि इसमें लम्ब्स ना पड़े। तो ये देखिए, इसमें एक भी लम्ब्स नहीं आया है। अब हम बाकी का पानी भी ऐड कर लेंगे। तो अभी मैं एक बाउल और ऐड कर लूँगी इसमें पानी। तो ये एक बार पानी और हमने ले लिया है और इसमें ऐड कर लिया है, और अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो हमारा सेब का घोल तो बनकर तैयार है। अब हमने यहाँ पर एक पैन लिया है जिसमें हम घोल को तैयार करेंगे बनाने के लिए सेब। तो हम इसमें से इस तरीके से चलाते हुए डाल देंगे, और इसे लगातार चलाते रहना है, वरना कॉर्नफ्लावर में लम्ब्स पड़ जाते हैं। तो इसी तरीके से चलाते हुए हमें इसे 2 मिनट तक पकाना है। जब ये थोड़ी देर पक जाता है तो ये ट्रांसपेरेंट होने लगता है। तो ये देखिए, ट्रांसपेरेंट होना स्टार्ट हो गया है। तो इसी तरीके से इसे चलाते रहेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि हमारा जो घोल है वो कितना गाढ़ा हो चुका है। इसी तरीके से इसे चलाते रहेंगे। तो हमारा पेस्ट जो है वो एकदम बनकर तैयार है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और फालूदा सेब बनाना स्टार्ट करेंगे। तो फालूदा सेब बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये मशीन ली है जिससे कि हम सेब बनाते हैं। तो इसमें हम इस पेस्ट को डाल लेंगे, और मैंने इस मशीन को पहले से ही ग्रीस कर लिया था ऑयल से। तो इस तरीके से इसे फिल कर लेंगे। तो ये हमने फिल कर लिया है, अब इसको बंद कर देंगे और फालूदा सेब बनाना स्टार्ट करेंगे। तो मैंने फालूदा सेब बनाने के लिए यहाँ पे एकदम ठंडा पानी लिया है, जिसमें मैंने कुछ आइस क्यूब्स भी डाल ली हैं। और इस तरीके से चारों ओर घुमाते हुए हमें सेब बनाने हैं। तो सभी तरफ घुमाते हुए इस तरीके से हम सेब बना लेंगे फालूदा सेब। तो इसी तरीके से बाकी के घोल को भी हम सेब बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारे फालूदा सेब बनकर तैयार हैं, और इन्हें अब 10 मिनट के लिए हम फ्रिज में रख देंगे। और बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है 10 मिनट तक, वरना ये टूट जाते हैं बीच में से। तो ये देखिए, 10 मिनट फ्रिज में रखने के बाद कितने अच्छे हो चुके हैं और कितने बढ़िया बने हैं। तो एक बार इन्हें ट्राई कर ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तब तक ले, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।